जब सड़क जो है खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आंख के बदले आंख फोड़ना शुरू कर दोगे, दुनिया अंधी हो जाएगी, दुनिया अंधी हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। आपके बाप ने जो है आरक्षण दिया है, इस देश के संविधान ने इस देश के दबे कुचले वंचित शोषित लोगों को आरक्षण दिया है, और आरक्षण तो इन्होंने खत्म कर दिया। नींद से जगोगे तो आपके बाबा साहब को भी बेचने का, हमारे बाबा साहब को भी बेचने का काम इन लोगों ने कर दिया है। सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ियों और हरियाणा का प्रश्न नहीं है, ये इस देश की बेटियों का प्रश्न है, इस देश की बेटियों की अस्मिता की लड़ाई है ये। आज आप देखिए कि किस तरीके से दुराचारी, बलात्कारी, और ये एक 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 ये उदाहरण है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी महिलाएं, जिन्होंने विश्व पटल पर इस देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने अपने खून पसीने मिट्टी में मेहनत करके गांवों से निकलकर आकर के इस देश को मेडल देने का काम किया, आज वो महिलाएं एक संगीन आरोप लगा रही हैं, यौन शोषण का, सेक्सुअल हरेसमेंट। ये कितने घृणा की बात है कि प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जो कह रहे हैं कि ये अमृतकाल चल रहा है, ये अमृतकाल नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है इस तरीके से बेटियां सड़कों पर जो है ठोकर खाएं, अमृतकाल नहीं तो क्या है? ये रावण काल चल रहा है, ये दुर्योधन काल चल रहा है, ये एक अंधकार चल रहा है। ये रावण राज्य है जहाँ पर बेटियों की स्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहाँ पे इस देश की जो मातृशक्ति है उसको बार बार जो है सड़कों पर आने जा। आप हाथरस देख लीजिए, आप जो है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को देख लीजिए, आप नित्यानंद जैसे लोगों को देख लीजिए, आप बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को देख लीजिए। बृजभूषण शरण कौन है, उसका बैकग्राउंड आप जाके चेक करके आइए, जनता आप देखिए कि बृजभूषण 74 मुकदमे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो अपराधी है, सुनिए, लोग आप जाकर के FIR दर्ज करवाने की बात करते हैं, जाकर के कंप्लेंट देते हैं। देखिए, कातिल भी आप ही का और मुंसिफ भी आप ही का, न्याय भी आप ही का, न्यायकर्ता भी आप ही का, लाठी भी आप ही की, भैंस भी आप ही का। आप समझिए, इस देश में एक ऐसी तानाशाह सरकार आ गई है, बंदूक और जो कहते हैं कि ना कि बंदूक का राज चल रहा है, कैमरे और कलम पर और प्रशासन पर बंदूक का पहरा है। आज न्याय इनके हिसाब से होगा, क्या न्याय नागपुर से कोई, होगा, कोई कोई ताला नहीं है, कोई पहरा नहीं है, कहीं पर बंदूक की नोक नहीं है। आपने तो देखा ये महिलाएं क्यों आज सड़कों पर, मेरी बात सुन लीजिए, महिलाएं क्यों सड़कों पर है, देखिए अगर न्याय हो रहा है, सुनिए भाई आप सुनिए पहले बात। यहाँ पर 10 कदम दूर यहाँ मंदिर मार्ग थाना है, यहाँ थाने पर लिखित कंप्लेंट 7 लड़कियों की दी गई है, और उस कंप्लेंट पर FIR नहीं कराते हो। FIR बाबा साहेब के दिए हुए अधिकार है, इस संविधान का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो FIR दे। और हम तो FIR की बात कर रहे हैं, FIR कराओ, न्यायालय पे हमको भरोसा है, न्यायालय में जांच होगी, पता चल जाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह अपराधी है, बलात्कारी है, कि जो है दूध का धुला हुआ है। आप तो FIR ही नहीं कराना चाह रहे हो, उल्टे यहाँ पर हमें तो पुलिस से पता है। मोदी जी का क्या रोल है बताइए, मोदी जी के मंत्री हैं, मोदी जी मंत्री कहाँ है, नाम पर सांसद है, हाँ मोदी जी के सांसद हैं, तो क्या मोदी जी से अलग हैं, भाजपा से अलग हैं? और ऐसा क्यों होता है कि जब जब महिलाओं के अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं से भाजपा के लोग शामिल होते हैं? ये चिंता का विषय है, राजनीति का अपराधीकरण इस जो है रक्षक भक्षक बन जाएगा, आपको बचाने वाला ही मारने वाला बन जाएगा। जब सड़कों पर गोली से न्याय होगा, बंदूक से न्याय होगा, तो इस देश की अदालतें, इस देश का कोर्ट सिस्टम, इस देश की जुडिशरी, न्यायपालिका किस लिए है? ये उखाड़ के फेंक दो भाई, an eye for an eye विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आंख के बदले आंख फोड़ना शुरू कर दोगे, दुनिया अंधी हो जाएगी, दुनिया अंधी हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, और
ये बार बार जिस तरीके से सांप्रदायिकता को ये अपना एजेंडा बना रहे हैं, जिस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी को ये कम्युनल बना रहे हैं, मुझे तो डर है कि इस देश में कहीं सिविल वॉर ना शुरू हो जाए। खुश होइए आप, ये देश सुनिए त्रिपाठी सुनिए, खुश होइए आप, जात से ब्राह्मण है, पंडित हैं, और भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। देखिए पीछे हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत बहुत जल्दी। ये हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि संविधान की विचारधारा को कुचलने का बात है, इस देश से बाबा साहेब के संविधान को मिटाने की ये प्रक्रिया है। और क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि फिर से इस देश में वही मनु की व्यवस्था, वही मनुवाद को फिर से जन्म दिया जाएगा। सुनिए, उसी वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू किया जाएगा, जातियों के नाम पर शोषण होगा। देखिए, आप ये मत कहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पहले ब्राह्मण होने से पहले इंसान हूँ। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड मिस्टर दैट 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ इवोल्यूशन, अ रिवोल्यूशन। जो 21वीं सदी है उसका धर्म इंसानियत है, उसका 21वीं सदी का धर्म इंसानियत है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मेरी बात सुनिए, बिल्ली जो होती है ना उसके पास भैंस नहीं होती, लेकिन वो भी मलाई खाती है, इस मानसिकता से। और अगर 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 बिल्ली को कह दिया जाए तुम दूध की रखवाली करो, घी की रखवाली करो, दही की रखवाली करो, क्या रखवाली कर पाएगी? ये देखिए, इस पूर्वाग्रह से आपको भी निकलना पड़ेगा, और इस देश सच्चाई में यही है, नहीं, हर तरफ के लोग हैं, हर तरफ का तबका है, जो गलत भी है सही भी है। आज जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो जो है नारे लगाते हैं, धार्मिक नारे लगाकर, क्या प्रभु श्री राम कहते हैं कि जय श्री राम बोलकर लिंच कर दो? क्या प्रभु श्री राम ने कहा है कहीं रामायण में कि जय श्री राम बोलकर जो है गोली मार दो सड़क पे? आप समझिए, ये धार्मिक लोग भी नहीं है। मुंह में राम, बगल में छुरी, इसको पहचानना पड़ेगा। और इस देश के भविष्य की बात है ये, आप संविधान को कुचल दोगे। आज पूरी दुनिया, ये 52 मुस्लिम देश आज बैठ के मंथन कर रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक कैसे बने। आज अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो कह रहा है कि हम लोकतांत्रिक हैं। इस पूरे आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को और भारत को जो छोटे छोटे समाजों से मिलकर बना है, तबकों से मिलकर बना है, जल जंगल जमीन आदिवासियों से मिलकर बना है, उस भारत में एक विचारधारा थोपना इस भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसके साथ जो है बेईमानी है। ये देश फूल का गुलदस्ता है, इसमें अलग अलग फूल हैं। विचारधारा कौन थोप रहा है? विचारधारा कौन थोप रहा है? आप क्यों, नरेंद्र मोदी जी साफ कहते हैं, देखिए जो सरदार हैं बीजेपी के, वे साफ कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ मत बोलिए, हिंदुओं के पक्ष में वे हैं, बौद्धों के पक्ष में वे हैं, सब सबका सम्मान। और वही विचारधारा दंगा करने के लिए भी सबसे आगे आ जाती है। अरे आपका, अरे सुनिए, पहले एक मिनट पहले सुनिए, अमित शाह कौन है? देश के गृहमंत्री हैं, गृहमंत्री हैं। कर्नाटक में क्या कहते हैं कि मुसलमानों का जो है आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी बपौती है क्या आरक्षण? आपके बाप ने जो है आरक्षण दिया है, इस देश के संविधान ने इस देश के दबे कुचले वंचित शोषित लोगों को आरक्षण दिया है, और आरक्षण तो इन्होंने खत्म कर दिया। आप किस फिरक में और किस बहुजन समाज किस नशे में सोया हुआ? ऑप्शन कोई नहीं है, खत्म हो चुका है। आप ऐसे अफीम में रहिए, साफ कहती है 5 लाख राहुल गांधी सीरियस लेते ही नहीं है। राहुल गांधी को भी छोड़िए, अभी बहुजन समाज को आपका क्या मन? ये निगमीकरण क्यों कर रहे हैं? ये प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? देश आगे जाएगा, प्राइवेटाइजेशन मतलब, मैं बार बार मैंने कहा इस बात को और आपसे ही कहा है कि प्राइवेटाइजेशन मतलब आरक्षण खत्म। मतलब क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण नहीं मिलता है, आरक्षण सरकारी संस्थानों में मिलता है, आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में मिलता है, सरकारी विश्वविद्यालयों में मिलता है। और जिस तरीके से इस देश को अंबानी अडानी के हाथ में बेचा जा रहा है, पूंजीवाद के हाथ में पूरा देश बेच दिया है। अरे कल आप अगर नींद से जगोगे तो आपके बाबा साहब को भी बेचने का, हमारे बाबा साहब को भी बेचने का काम इन लोगों ने कर दिया है। और आप ये समझिए कि यही लोग थे जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया था, जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा का उस समय, जिस समय सामाजिक न्याय का कारवा बाबा साहब अपने कंधों पर लेकर के चल रहे थे, उस समय इन लोगों ने ही बाबा साहब का विरोध करने का काम किया।
तो मुझसे किसी ने कहा कि अतुल त्रिपाठी से जरूर पूछना कि कब तक मोदी और अडानी गाली देकर इस देश का ब्राह्मण सुनिए, आज आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, इस देश का ब्राह्मण सुन लीजिए सर, कब तक मोदी को अडानी को गाली देकर अपनी दुकान चलाएंगे आप? क्या मोदी को आप दुकान चलाने वाली बात नहीं है, पूरी दुकान बेच दी, पूरा देश बेच दिया अडानी के हाथ पे, 4.5 लाख करोड़ रुपया का घोटाला जिस अडानी ने किया, जिस अडानी ने रेल भेल तेल रेलवे हवा पानी सड़क सब खरीद लिया, उस अडानी को आप जो है बता रहे हो कि मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ? अरे दुकान इस देश की मरी हुई मुर्दा मीडिया चला रही है, जिनको जो है करोड़ों रुपया दे करके 24 घंटा 365 दिन प्रधानमंत्री और भाजपा का महिमा मंडन कराया जा रहा है। शर्म की बात है ये, और उनकी भाषा आप मत बोलिए। कैमरे बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं, आप दिखाइए थोड़ा नीचे दिखाइए कि मेरे पैर में क्या है। हम सोशल मीडिया वाले हैं, कोई टीवी वाला आएगा आपको ले जाएगा, आप उसे ज्यादा तवज्जो देंगे, सच्चाई है, इसीलिए आपके साथ खड़ा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे कोई भरोसा नहीं है किसी गोदी मीडिया पे, सीधे आपके सामने कह रहा हूँ। आप उन्हीं के पास जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं? जाते नहीं है, उनको जवाब देना जरूरी है। इस देश के साथ जो दलाली करेगा, गद्दारी करेगा, उसको जवाब देने का काम करेगा देश का युवा। डिजिटल में डाल देते हैं, ट्विटर। अरे हमें नहीं चाहिए, लानत है ऐसे टीवी पे, ऐसे गोदी मीडिया पर, और हम खुद उनका बहिष्कार करते हैं। सुनिए, आपको जाना होगा, इन और लोगों को, नेताओं को जाना होगा चमचमाती नोएडा की मीडिया सेंटर्स में। हमें कोई शौक नहीं है, हम सड़क के लोग हैं, और इस देश ने इतिहास सड़क पर लिखी है। जब सड़क जो है खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, जेपी ने ये कहा था। और मैं इस देश की जनता से ये आह्वान कर रहा हूँ कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, क्योंकि आज सत्ता में बेईमान अपराधी और बलात्कारी हैं। अगर ये राज नहीं बदलोगे तो इसी तरीके से तुम्हारे घर की बेटियां, तुम्हारे घर की अस्मिता की इज्जत सड़कों पर लूटी होगी। ये शर्म की बात है मेरे भाई, तुम पुरुष हो, तुम्हारी भी बहन है, मेरी भी बहनें हैं। ये शर्म की बात है कि जिस देश में महिलाओं की पूजा की जाती है, नवरात्रि और तमाम शक्ति का प्रतीक जो है लड़कियाँ हैं, उस देश में हर 3 मिनट में एक बलात्कार होता है। 5 करोड़ से अधिक महिलाएँ जो है अनीमिया से पीड़ित हैं, लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, शर्मनाक है। आप आज से टीवी मीडिया का बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल बहिष्कार है। बहिष्कार है जो मीडिया एक विचारधारा को दिखाएगी, जो मीडिया इस संविधान के विरुद्ध दिखाएगी। मीडिया का मतलब होता है न्याय का वो तराजू जो सबको बराबर आंकता है, जो सबको बराबर बोलने का अवसर देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको देता है। आज शर्म की बात है कि सतपाल मलिक जैसे लोग जो 4-4 बार गवर्नर रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से बताया कि पुलवामा में किस तरीके से 5 एयरक्राफ्ट सुनिए, ये प्रधानमंत्री की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की पोल खोलता है कि किस तरीके से ये सत्ता के घमंड में चूर ये लोग किस तरीके से जवानों के खून पर राजनीति करते हैं, जवानों की शहादत पर वोट मांगते हैं। और अभी एक साथी मेरा कह रहा था कि उस समय जवानों की लाशों को गांवों गांवों तक भेजा गया जहां चुनाव था, इसलिए भेजा गया कि वहां जो है सेंटिमेंट जागे। और आप समझिए, किसानों के खून पर राजनीति करने वाले, जवानों के खून पर राजनीति करने वाले, युवाओं के खून पर राजनीति करने वाले आज सत्ता में हैं। और चंद लाइनें में कहूँगा कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी, वो ऊँचे ऊँचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ता गया, जिसे खुदा कहलाने का शौक था, वो मरघट का मसीहा बनता गया, बनता गया, बनता गया।